हेलो फ्रेंड्स, रेप केस, जिना केस के हवाले से एक लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि रेप केस के अंदर या जिना का जो केस होगा उसमें जो आईयू होंगी, तफ्तीश करने वाले जो पुलिस ऑफिसर होंगे, उनका खातून होना लाजमी है। यानी एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही अब रेप केस का की इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करेंगी तो ही वो एक कानूनी तौर पे मजबूत केस या मजबूत तफ्तीश मानी जाएगी। इससे पहले ऐसी कोई पाबंदी या ऐसा कोई कानून नहीं था कि रेप केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तफ्तीश करने वाला पुलिस ऑफिसर हो तो उसका जेंडर क्या होना चाहिए। लेकिन ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट है, 2020 में भी रिसेंटली आया है, ये 2020 SCMR पेज नंबर 761 इसकी साइटेशन है। इस जजमेंट के मुताबिक रेप केस के की जो इन्वेस्टिगेशन की होगी, जो तफ्तीश होगी, उसके लिए लाजमी है कि पुलिस ऑफिसर खातून हो। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर इन फ्यूचर ये रेप केसेस में आईओ मेल हैं, मर्द होते हैं होंगे तो उससे वो केस की जो वीक हो जाएगा, वो तफ्तीश, वो सारा कुछ उसमें वीक हो जाएगा। और क्योंकि ये एक जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कानून का दर्जा रखती है, और अब ये कानून है कि रेप केसेस के अंदर जो आईओ होंगी, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, यानी पुलिस ऑफिसर जो किसी भी ट्रायल में, केस में तफ्तीश करते हैं, उनका खातून होना, लेडी होना ज़रूरी है। थैंक यू।